हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, तो ये हमारा जियोनी का फ़ोन है दोस्तों, और आपके जियोनी फ़ोन में आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग लेकर के आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। यदि आपके पास जियोनी फ़ोन आए तो आप पांचों टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, पांचों सेटिंग के बारे में जान लीजिए दोस्तों, जो आपको कभी भी काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करने वाले हैं स्क्रीन शॉट के बारे में। दोस्तों, तो आप अपने जियोनी फ़ोन में यदि स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप कैसे लोगे दोस्तों? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करके जो है अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपके फ़ोन में स्क्रीन शॉट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा हमारा दोस्तों पहला सेटिंग, आप पहला टिप्स एंड ट्रिक। आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको दूसरे सेटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों, टॉक बैक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके मोबाइल में टॉक बैक इनेबल हो गया है, सेटिंग से आपका टॉक बैक इनेबल हो गया है, तो आपका टच काम नहीं करेगा, आपका टच स्लो काम करेगा और आप कहीं भी क्लिक करोगे तो हरे रंग का आइकन बनेगा और टच आपका जल्दी नहीं काम करेगा। तो इसलिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। डबल फिंगर का प्रयोग करके जो है इसको आप लॉक खोल लीजिए। यदि आप लॉक लगा के रखें तो लॉक खोल लीजिए। आप इस प्रकार से स्वीप करोगे तो आपका जो है खुल जाएगा। आप लॉक लगा के रखोगे तो लॉक खोल लेना। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इधर उधर करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। सिंगल फिंगर से करोगे तो आपका नहीं होगा, तो डबल फिंगर से जो है मतलब इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हम चलिए स्वीप करके जो है इसका मेनू खोल लेते हैं। तो नीचे से हम ऊपर की तरफ डबल फिंगर से स्वीप करेंगे तो हमारा जो है मेनू खुल जाएगा। आपको सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे जब हम डबल फिंगर से स्वीप करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे मेनू खुल जाएगा। मेनू खोलने के बाद दोस्तों आपको डबल फिंगर से थोड़ा नीचे जाना है, और नीचे जाना है थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेटिंग पे आपको जो है क्लिक करना है। सेटिंग पे मान लीजिए आप एक बार क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे डबल प्रेस करना है तो ये ओके होगा। तो यहाँ पे डबल प्रेस करके इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे जाने के लिए आपको दोस्तों ऊपर नीचे जाने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। सिंगल फिंगर से आप करोगे तो नहीं होगा, और किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट असिस्टेंस पे जाना है। तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डबल प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे डबल प्रेस करोगे तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे एक बार क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको डबल प्रेस करना है तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डबल प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉक बैक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए टॉक बैक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम टॉक बैक पर एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको ओके करने के लिए जो है डबल प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम इसको डबल प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यूज सर्विस यहाँ पे ऑन है। तो यहाँ पे इसको हमें ऑफ करना है, तभी हमारे जो है टॉक बैक डिसेबल होगा। तो इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पे डबल प्रेस करना है। तो यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। टॉक बैक स्टॉप जो है यहाँ पे ओके करना है, तो ओके पे एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डबल प्रेस कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी सेटिंग में जाकर के जो है अपने मोबाइल का टॉक बैक डिसेबल कर सकते हो। ये हमारे फ़ोन का जो है टॉक बैक डिसेबल हो गया। अब कहीं भी हम टच करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा जो है टच काम करेगा, और हमारे मोबाइल से बोलने की आवाज़ भी बंद हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा दूसरा सेटिंग। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आपको तीसरे सेटिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके डिस्प्ले का कलर सेटिंग में किसी भी तरीके से मतलब नेगेटिव हो गया है, चेंज हो गया है, और आप इसे सेटिंग से नॉर्मल करना चाहते हैं, तो उसे आप कैसे करोगे दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले का कलर कैसा दिखाई दे रहा है। यदि आपके फ़ोन में ऐसा मतलब हो गया है, आपका डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है, तो आप इसके कैसे ठीक करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, सारे ऐप्स का कलर जो है नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे ठीक करने के लिए दोस्तों सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको इंटेलिजेंट असिस्टेंस में जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाइए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इंटेलिजेंट असिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो है क्लिक कीजिए। चलिए यहाँ से आपको इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सेबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा नीचे जाना है। अब थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कलर इन वर्जन। कलर इन वर्जन का ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए ऑन है, तो यहाँ से इसको हमें ऑफ कर देना है। तो यहाँ से ऑन है तो यहाँ पे हम ऑफ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा ऑफ हो गया। अब चलिए आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए सारे ऐप्स का कलर जो है नॉर्मल हो गया है।
सही हो गया। और इस तरीके से आप जो है यदि आपके मोबाइल का टॉकबैक मतलब LCD का कनेक्ट मतलब डिसेबल हो गया है तो आप यहाँ से मतलब इसको ठीक कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो। अब हम आपको चौथी सेटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों, बाइक बटन सेटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों। मान लीजिए आपके मोबाइल का बाइक बटन गायब हो गया है, मतलब बाइक बटन हाइड हो गया है और आपको बाइक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों इसको बाइक बटन आप कहाँ से लाओगे इस सेटिंग में बताऊँगा। देख लीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए तीनों बटन मतलब नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके फ़ोन में हो गया है और आपको बाइक करने के लिए स्विप करना पड़ता है तो आप बाइक बटन लाना चाहते हैं तो इसको कहाँ से लाओगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए दोस्तों। तो इसको बाइक बटन लाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए गेस्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे गेस्टर्स पे आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नेविगेशन गेस्टर्स सबसे पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तीन प्रकार से मतलब ये बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बटन वाले पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए बैक बटन का जो है यहाँ पे तीन बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे जो है तीनों बटन आ जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो मान लीजिए आपके मोबाइल का बैक बटन गायब हो गया है तो इस सेटिंग में जा करके आप जो है अपना बैक बटन ला सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ हम ला के मतलब बहुत ही आसान तरीके से बैक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा दोस्तों चौथा सेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक था दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपको पांचवें सेटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। मान लीजिए आपके मोबाइल में अचानक कोई प्रॉब्लम हो गया है, मतलब आपका मोबाइल यदि अचानक हैंग हो गया है तो आपको क्या करना है दोस्तों। मान लीजिए आपका डिस्प्ले हैंग हो गया है, या मान लीजिए आपका टच हैंग हो गया है, आपका टच नहीं काम कर रहा है, या आपके डिस्प्ले पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या मतलब आपका फ़ोन जो है माइक स्पीकर रिंगर अचानक काम करना बंद कर दिया है, अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो दोस्तों एक बार आप अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। यदि आपका फ़ोन सही रहेगा तो आपका काम करना शुरू कर देगा। मान लीजिए आपका टच नहीं काम कर रहा है और आपका डिस्प्ले भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आप जो है एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके देख लीजिए दोस्तों, हो सकता है कि आपका जो है सही हो जाए दोस्तों। यदि आपका हैंग हुआ होगा मोबाइल तो 100% आपका जो है सही हो जाएगा। तो आपको रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए क्या आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है, 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे दोस्तों। यहाँ पे पावर ऑफ लिख गया है रिबूट, मान लीजिए आपका टच नहीं काम कर रहा तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अभी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, केवल पावर बटन को आपको लगातार प्रेस करके रखना है 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड मतलब जब तक आपका फ़ोन रिबूट ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है जो है पावर बटन को प्रेस करके रखना है और छोड़ना नहीं है जब तक आपका फ़ोन जो है रिस्टार्ट ना हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए पावर बटन को हम प्रेस करके रखेंगे, कुछ टाइम तक प्रेस करके रखेंगे जब तक हमारा फ़ोन जो है रिस्टार्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम चलिए इसको रखते हैं प्रेस करके, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए हमने प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा अब जो है ये रिस्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन वाइब्रेट करेगा और ये जो है जीवनी लिख के आ गया, यहाँ पे मतलब हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो गया दोस्तों। तो मान लीजिए आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, या आपका डिस्प्ले पे मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आपका फ़ोन आ रहा है फिर भी आपके डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, या आपके मोबाइल का अचानक से मतलब स्पीकर रिंगर माइक है तीनों एक साथ काम करना बंद कर दिया है, मतलब अचानक से कोई भी फ़ोन में आपके प्रॉब्लम हो गया है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट ज़रूर करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताया, 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताया दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइए, और चैनल पे जो है नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपका फ़ोन जो है 100% सही हो जाएगा यदि आपका हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा तो। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, सब कुछ काम करना शुरू कर दिया है, और आपके फ़ोन में मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, हो सकता है कि जो है आपका प्रॉब्लम सही हो जाए दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।